हाय, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कुसुम और आप देख रहे हैं समथिंग सिसिल कुसकास्ट, जहां पे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेके आती हूं। आज हम एक छोटा सा इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं अपने किचन से, जो है लौंग, जिसका इस्तेमाल आपने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में जरूर किया होगा, खास करके सर्दियों में कफ को दूर करने के लिए या फिर कोल्ड को दूर करने के लिए। लेकिन आज यही छोटा सा लौंग हम अपने बालों के लिए यूज करने जा रहे हैं। देखिए, मौसम बदलता है, सबसे पहला असर हमारे बालों पे होता है, और सबसे पहला जो असर होगा, जो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, वो है आपका हेयर फॉल। अगर आप हेयर फॉल को तभी के तभी कंट्रोल कर लेंगे ना, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके सारे बाल उड़ सकते हैं अगर आपने अपना हेयर फॉल कंट्रोल नहीं किया है तो हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। सर्दियों के दौरान हमें डैंड्रफ भी आ जाता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं लेकिन बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे बालों पर काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज हम लौंग का इस्तेमाल इतने बेस्ट तरीके से करने जा रहे हैं कि इसका रिजल्ट हर एक को मिलेगा जो भी आज का हेयर ऑयल बना के तैयार करके लगाने वाला है। तो चलिए फिर ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को यूजुअल पसंद आ जाती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आपका सबसे पहला जो सामान है जो आपको तैयार करना है, वो है आपका ऑयल। आपको क्या करना है, आपको डबल बॉइलिंग मेथड से आप ये पूरी प्रोसेस करेंगे, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। गैस के ऊपर मैंने तवा रख दिया है, एक कटोरी लेनी है आपको, बाउल लेना है, उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, कोई भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो ऑयल है वो खराब हो सकता है। तो अच्छे से आपको आपकी जो कटोरी है वो सुखा लेनी है। अब आप इसके अंदर देख रहे हैं कि मैंने ऑयल पहले से ऑलरेडी डाला हुआ है और ये ऑलरेडी गर्म भी हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर डाला है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ही मैं यूज करती हूँ, बहुत बेस्ट होता है, इंस्टेंटली आपके बालों को हेल्दी बनाने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके पास अगर पैरासूट वाला है या फिर कोई और ब्रांड का है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हेयर ऑयल मैंने यहाँ पे यूज किया है वो है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल आपके दो मुहे बालों को कम करता है, आपके बालों को हेल्दी और शाइनी बनाने में आपकी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर ऑफकोर्स ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो मैंने यहाँ पे 50 ml के करीब कोकोनट ऑयल लिया था और मैं यहाँ पे 10 ml के करीब ले रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जन ओलिव ऑयल। लगभग हमारा जो हेयर ऑयल है वो 60 ml है, दोनों ऑयल मिलकर 60 ml हो जाता है। तो इसे मैंने पकने दिया है कम से कम 5 मिनट के लिए, और जब तक ये थोड़ा सा और पक रहा है तब तक हम हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी रेडी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, लौंग लेने हैं, 15 से 20 लौंग आपको ले लेने हैं। विटामिन सी से भरपूर होता है, विटामिन ए से भरपूर होता है। विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो आपकी एलोपेशिया की जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक कर सकता है। अक्सर लड़कियों के कमेंट्स आते हैं कि हमारी हेयर लेंथ एक जगह पे आके रुक गई है, तो आप इससे अपनी हेयर लेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं, इतना पावरफुल होता है। एंटीबैक्टीरियल होता है, डैंड्रफ को खत्म करता है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, बालों को भी हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट आपका जो इंग्रेडिएंट है वो है पंपकिन सीड। अगर आपको मिल जाता है तो बेस्ट है, अगर पंपकिन सीड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे फ्लैक्स सीड का भी यूज कर सकते हैं। पंपकिन सीड क्या करता है, ये आपके डीएसटी को ब्लॉक कर देता है, मतलब उसको हटाता है जड़ों में से, और जो डीएसटी होता है वो आपके हेयरफॉल का मेन रीजन होता है, हेयरफॉल होने का वही एक ऐसा रीजन होता है जो आपके बालों को लंबा नहीं होने देता है, आपके बालों को दोबारा फिर से ग्रो नहीं होने देता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो पंपकिन सीड है ये आपके बालों पे काम कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीप है, आप इनको किसी भी स्टोर पे से लेके आ सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है केवल 36 rupees है। बनाइए, लगाइए और फीडबैक मेरे साथ आपको जरूर शेयर करना है। लास्ट वाला इंग्रेडिएंट होगा आपका जिंजर। ऑफकोर्स सबके पास होता है, हर किचन में होता है। जिंजर भी अगेन एंटीबैक्टीरियल है, ये भी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, बालों को हेल्दी बनाने में मदद करता है। और जब आप अदरक और लौंग को इकट्ठा करके लगाते हैं ना, तो ये बेस्ट और बेटर तरीके से आपके बालों पे काम करता है। तो अच्छे से इनको है ना कूट लेना है, क्योंकि अगर आप साबुत के साबुत डालेंगे ऑयल के अंदर तो ये अच्छे से अपनी पावर ऑयल के अंदर नहीं छोड़ पाएंगे, इसीलिए आपको इन्हें हल्का सा कूट लेना है, हल्का सा दरदरा सा, मिक्सी में नहीं घुमाना है, ऐसे ही आप हल्का सा इसको कूट लीजिए। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये कूट चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मिक्सचर है इसे हम जो हमारा हेयर ऑयल पक रहा है उसके अंदर हम डाल देंगे। डाल के आपको सिर्फ और सिर्फ इसे 3 मिनट के लिए पकाना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है। 3 मिनट के लिए हल्की धीमी आंच के ऊपर इसे पकने देना है। जैसे आपको लगता है कि 3 से 4 मिनट आपको हो गए हैं, इसे गैस के ऊपर से आपको उतार लेना है। ध्यान रहे कि आपको डबल बॉइलिंग से ही सारी प्रोसेस करनी है। ध्यान रहे कि आप जो बर्तन यूज करेंगे उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। आप तवे पे भी कर सकते हैं डबल बॉइलिंग, या फिर पानी के अंदर इसको रख के भी आप डबल बॉइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग हमारा जो हेयर ऑयल है वो रेडी हो चुका है। अब इसको आपको क्या करना है, गैस से नीचे उतार देना है और हल्का सा इसे ठंडा होने देना है।
और फिर क्या करना है, एक साफ सा कांच का कंटेनर आपको लेना है, और ये जो हमारा हेयर ऑयल, मैजिकल हेयर ऑयल आप इसको बोल सकते हैं, ये आपको उसके अंदर स्टेन कर लेना है। मैं तकरीबन आप लोगों को हेयर ऑयल बताती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं उनके कमेंट्स आते हैं, जो रेमेडी हर रोज़ प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और जो बोलते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ दें जिसे हम बस बना के स्टोर करके रख सकते हैं। और हेयर ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई लगाता है, कोई रेमेडी लगाए या ना लगाए, लेकिन हेयर ऑयल हम जरूर लगाते हैं। इसीलिए क्यों ना हम हमारे हेयर ऑयल को ही इतना पावरफुल बना दें कि आपको किसी और रेमेडी की जरूरत ना पड़े। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ हेयर ऑयल शेयर करती हूँ। अगर आप कोई अभी फिलहाल हेयर ऑयल लगा रहे हैं तो आप उसको ही लगाते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका हेयर ऑयल खत्म होने वाला है तो आप इस हेयर ऑयल के अपने बालों पर लगा सकते हैं। डेफिनेटली ऑयल लगाने का जो तरीका होगा वही होगा कि आपको ये हेयर ऑयल रात में लगा के सोना है, अच्छे से प्यारी सी चम्पे आपको अपनी स्कैल्प पे करनी है, और आपको चोटी बना के सोना है, और सुबह उठ के आप शैम्पू कर देंगे। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप इस हेयर ऑयल को अपने बच्चों पर लगा सकते हैं, किसी भी एज में हैं आप इस हेयर ऑयल का यूज अपने बालों को दे सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑयल को 3 बार लगाएंगे तो आपको काफ़ी सारा डिफरेंस आपके बालों में दिखेगा, इतना मैजिकली तरीके से काम करेगा ये हेयर ऑयल। और आप डेफिनेटली, मैंने बता ही दिया कि आप इसको 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद आप दोबारा फिर से बनाएंगे और दोबारा फिर से यूज करेंगे। तो इस तरीके से बनाना है, बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल बन के तैयार हुआ है। मैं इसको लगा रही हूँ, अपनी बेटी के बालों पर भी लगा रही हूँ इसको, और फीडबैक जो है वो मुझे आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।